दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। क्या सहाबा किराम को काफिर कहने से आदमी काफिर होता है या नहीं? सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु मजमाइन में से जिनका सहाबी होना नसे कती से साबित हो उसकी सहाबियत का इनकार करने से बंदा काफिर हो जाता है, और अगर किसी की सहाबियत नसे कती साबित न हो उसकी सहाबियत के इनकार से बंदा काफिर नहीं होता। मसलन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत कुरान करीम के नस से कतई से साबित है, इस यकूल साहब ही ला तहज़न, इसलिए फुकान लिखा है कि सोहबत अबी बकर का इनकार करे तो बंदा काफिर हो जाता है। और जब कोई बंदा ये कहे ना सारे सहाबा को काफिर कहने से भी काफिर नहीं होता, तो सारे में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह भी आ गए ना, इसलिए कहना बिल्कुल गलत है। तो जिसकी सहाबियत कतियत से साबित है उसका इनकार कुफर है। लेकिन वहाबी अगर शिया को काफिर कहे तो यह बात समझ में नहीं आती, क्यों? इसलिए कि इनके अकाबिर कुछ कहते हैं ये कुछ कहते हैं। ये तो सऊदीया की एड पर पाकिस्तान के माहौल को खराब करने के लिए काफिर काफिर शिया काफिर के नारे लगा रहे हैं, जबकि इनके जितने अकाबिर हैं वो शियों को मुसलमान समझते थे। इस पर मैंने एक तहरीर भी लिखी थी कराची के अंदर, अखबार में शाया भी हुई कि सिपा साहबा अपने अकाबिर से गुत्तम गुत्ता, यानी इनका हाथ अपने अकाबिर के गिरेबान पर है और उनके अकाबिर का हाथ इनकी दाढ़ियों के ऊपर है, और ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं और दोनों हालत क्यों? इसलिए कि मैं ये कहता हूं कि तुमने सऊदीया का और गैर मुकल्लिदीन का चरवा बनकर जो तुमने ये कहना शुरू कर दिया कि काफिर शिया काफिर, और फिर अहले सुन्नत को तुमने ताना दिया कि तुम शियों के एजेंट हो माजल्ला, तो मैं पूछता हूं कि जब तुम्हें जरूरत पेश आती है मुकदमा पेश करने की कि राबजिया तबर्राई जो है उसके इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, तो बर्रे सगीर के मुताखरीन उलमा में तुम्हें जिसका हवाला देना पड़ता है वह हवाला इमाम अहमद रजा की जात, वो इमाम अहमद रजा की जात। वरना देवबंदी अकाबिर को अगर आप देखिए तो मौलवी कासिम ननोतवी साहब अगर आप देखेंगे तो सवाने कासमी के अंदर लिखा हुआ बाकायदा, और मनाजिर हसन गेलानी जो उनका सबसे मुस्तनद राइटर है वो इस बात को लिखता है कि जब सहारनपुर के अंदर शियों का मातमी जुलूस निकलता था तो देवबंद के प्रिंसिपल मौलवी कासिम ननोतवी साहब उसमें शरीक होते थे, और शरीक होकर मातमी जुलूस में हलवा जब बढ़ता था तो वह हलवा खा लेते थे। मैंने कहा हमारा ज्ञान हो गया आराम तुम्हारे नजदीक, हमारा जनाब जो है कि वो बारहवीं का हलवा हो गया आराम, लेकिन तुम्हारी किस्मत में आया तो मातम का हलवा आया और तुमने उसको ले भी लिया। तो तुम्हारे अकाबिर अगर शियों के मातमी जुलूस में जाएं और उसमें हलवा भी खाएं करें, तुम्हारे अकाबिर हो कसूर हमारा हो, और तुम कहें शिया काफिर। और सबसे बड़ी बात यहां पर एक सुनिए, थानवी के मलफूजात शाया हो गए हिफाजतुल यौमिया उसके जिल नंबर 4 के अंदर ये मलफूज मौजूद है कि जब वो मातमी जुलूस मेरे दोस्तों जब वो जा रहा था तो सहारनपुर के हिंदुओं ने उस मातमी जुलूस पर हमला कर दिया और कई शियों को मार दिया, उन्होंने कई शियों को मार दिया। ये मसला मौलवी अशरफ अली थानवी साहब के पास आया कि अब क्या करें, तो कहा कि जी ये शिया और हिंदू की लड़ाई नहीं, ये अहले इस्लाम और कुफर की लड़ाई। मैंने कहा तुम्हारे अकाबिर तो सब उनको मुसलमान लिखते रहे, अब क्या रहा? थानवी साहब से उनसे फतावे में पूछा गया कि जनाब हम जानवर को जबाह करने के लिए राबजी ले आए, कसाई राबजी, शिया भी नहीं कहा कि उसकी कोई और तावील निकले, कहा राबजी जो बदतरीन साहबा के खिलाफ बकवास करने वाला गलीज अकीदा रखने वाला उसको ले आए और उसने जानवर जबाह कर दिया। तो थानवी का फतवा देखो कितना गोलमोल है, वो कहता है कि शिया के जबीये में उलमा का इख्तलाफ है लेकिन सही यह है कि हलाल है। मैंने कहा तुम उनके शामी कबाब भी खाओ, तिक्के बोटियां भी खाओ, उनके जबा की सारी चीजें खाओ और फिर पाकिस्तान का मामला तुम मुंतशिर करने के लिए काफिर काफिर शिया काफिर, और सुनियों को यह कहो कि तुम शियों के एजेंट हो इसलिए कि तुम अहले बैत का जिक्र करते हो। हमने कहा अहले बैत का जिक्र करके इमाम अहमद रजा के फॉलोअर शिया तो ना हुए, ये बकवास करके तू नासबी और खारजी जरूर हो गया। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब।
سلام علیکہ صلوات